इंशाल्लाह मुस्लिम खयादत 100% बचेंगे, वो मगर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पर बचेंगे। हमारे पास एक लिस्ट फाइनल हो चुकी है, गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ, बीदर साउथ और नॉर्थ, अहमदाबाद, बसो कल्याण, अलन, जवरगी। वो अगर हमें बोले कि आपको ठहरना है ठहरेंगे, बैठना है बैठेंगे इंशाल्लाह, मगर हमारी नुमाइंदगी को मजबूत करेंगे। पिछले 2 साल पहले हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे थे गुलबर्गा नॉर्थ का, डिक्लेयर करने के वजह से प्रॉब्लम आया, वक्त आने पे वो MIM के साथ आएंगे और MIM को जिताएंगे इंशाल्लाह। आश्रय के घर है, शादी भाग्य स्कीम हो, एजुकेशन लोन हो, जैसे ही कर्नाटक में इलेक्शन डिक्लेयर होगा इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर होंगे। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। तकरीबन हम लोग पिछले 2-5 महीनों से हम काम पे लगे हुए हैं, अंदरूनी काम चल रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो हालात बनाए हुए हैं कांग्रेस, JDS, आम आदमी, तमाम लोग, क्योंकि वलवला उठाया है इन्हों के, ये नहीं वो नहीं ये, हम इंशाल्लाह वैसा नहीं काम कर रहे हैं। हम आवाम के दरमियान में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और उनके मसाइल पे बात कर रहे हैं। हम जाकर आपके मसाइल क्या हैं, तमाम हम तमाम उलमाए दीन से बात करें, हमारी नुमाइंदगी अगर यहाँ मजबूत हुई, हमारी नुमाइंदगी अगर कामयाब हुई गुलबर्गा के अंदर, तो इंशाल्लाह हम यहाँ के जितने भी मौजून और इमाम हैं हम उनको हदिया देने की कोशिश करेंगे, या हमारे पार्टी के जानिब से या फिर गवर्नमेंट के जानिब से। हमारी नुमाइंदगी अगर इंशाल्लाह गुलबर्गे के अंदर कायम हो गई, हमारी नुमाइंदगी हम जीत गए, तो इंशाल्लाह ये सब काम करेंगे हम। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो कारनामे हैं पार्टी के, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कारनामे हैं, हैदराबाद के अंदर जो हम गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पे, जो कौम और मिल्लत के लिए जो काम कर रहे हैं, आश्रय के घर है हो, शादी भाग्य स्कीम हो, एजुकेशन लोन हो, या फिर आपका छोटा लोन ठेला गाड़ी जो लगाते हैं उनके लिए 2 लाख रुपए इंशाल्लाह, तो अगर हमारी जैसी नुमाइंदगी कर्नाटक के अंदर हम 10-15-20 जो भी जीतेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त उसी तरीके से कर्नाटक के अंदर काम करेंगे। ये तो उस वक्त की आप बात बता रहे हैं जब आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन सवाल पब्लिक में ये चल रहा है कि आप लोगों की तरफ से ना अब तक कोई एस्पिरेंट नज़र आया है, ना कोई कैंडिडेट आप लोगों ने डिक्लेयर किया है। ये जो आप लोगों की खामोशी, ये जो पर जो सवाल उठ रहा है, आपकी खामोशी पर जो सवाल उठ रहे हैं, इसका हम जवाब आपसे चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है, लोग वहाँ पर जो है ना अपने आप को दावा कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से अब तक ना कोई एस्पिरेंट अपने आप को दावा कर रहा है, ना आपने किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, हमारे पास कुछ वक्त पहले नॉर्थ से कैंडिडेट डिक्लेयर करे थे, पिछले 2 साल पहले हम कैंडिडेट डिक्लेयर करे थे गुलबर्गा नॉर्थ का, तो इस मर्तबा वो प्रॉब्लम आया है कि कैंडिडेट डिक्लेयर करने के वजह से प्रॉब्लम आया, इसीलिए हम लोग रोके हुए हैं। और आने वाले दिनों में हमारे पास एक लिस्ट फाइनल हो चुकी है, गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ, बीदर साउथ और नॉर्थ, अहमदाबाद, बसो कल्याण, अलन, जवरगी, चितापुर, सेलम और यादगिर, ये हमारे पास यहाँ की लिस्ट गई हुई है। हमारे पास जो एस्पिरेंट हैं उनकी लिस्ट फाइनल जा चुकी है। फिर एक मरतबा कायद मोहतरम नकब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक डेलीगेशन भेजे थे गुलबर्गा, जो कि यहाँ के हालात कल्याण कर्नाटका के, बीजापुर के, सब तमाम बीदर के वगैरह सब हालात देखकर वो पहुँचाए हैं कायद मोहतरम के पास। फिर कायद मोहतरम एक मीटिंग रखे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये जनवरी के एंड में एक मीटिंग होंगे। कौन होंगे वो एस्पिरेंट, कौन है, क्या उनके नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आए? देखिए, नॉर्थ और साउथ से कौन एस्पिरेंट होंगे, क्या आप रूरल इलाकों में भी आप कैंडिडेट्स खड़े करने वाले हैं? हम देखिए, जैसा चितापुर है, सेलम है, हमारा तो यहाँ शुरू से हम वहाँ पे मजबूत हैं,
हमारी नुमाइंदगी वहाँ कर रहे हैं और वहाँ पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम 100% ठहर रहे हैं। मगर आप जो बोल रहे हैं कैंडिडेट, हमारे पास एक प्रॉब्लम आया जो लास्ट टाइम 2 साल पहले डिक्लेयर करे थे, इसीलिए हमारे जो है जो हाईकमान है उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त हम लोग कुछ दिन पहले कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे, आप आवाम में रहिए, आवाम में आप काम करते रहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ वक्त पहले हम कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे, इलेक्शन जैसा ही डिक्लेयर हुआ हम हमारे कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, कल्याण पूरे कर्नाटक स्टेट में, सिर्फ कल्याण कर्नाटक से आप जिस तरह से इंचार्ज हैं, तो यहाँ के जो जितने भी कल्याण कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, यहीं पे लोगों की थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप लोगों की नज़र आ रही है, बाकी दीगर जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। देखिए आप जैसा देख रहे हैं कि बीजापुर हो, परसों हमारे जो इंचार्ज यहाँ के थे मोहिद्दीन कौसर साहब जो MLA हैं कारवां के, और यहाँ के जो इंचार्ज सलीम साहब दूधबैली कॉरपोरेटर जो हैं मुबीन साहब, ये तमाम यहाँ का इंस्पेक्शन किए, दौरा किए, कहाँ कौन से कैंडिडेट को फिट करना है, कहाँ से निगायत को देना है, कहाँ से माइनॉरिटी को देना है, कहाँ से SC देना है, कहाँ से मुसलमान देना है, ये पूरा उन्होंने यहाँ से डाटा कलेक्ट करे हैं। जैसा देख रहे हैं परसों जमकंडी में हमारा एक प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद बीजापुर में है, उसके बाद फिर बागलकोट में है, बेलगाम में है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम हैदराबाद कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक दोनों जगह इंशाल्लाह बहुत मजबूत है, वहाँ से हम हर जगह हम जहाँ भी नुमाइंदगी हमारी मजबूत है वहाँ हम कैंडिडेट ठहरा कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक बात गुलबर्गा नॉर्थ की और साउथ की जा रही है, नॉर्थ में तो आपको एक्टिविटी आपकी नजर आ रही है, लेकिन साउथ में अब तक आपकी कोई एक्टिविटी देखी नहीं गई। देखिए हमारा जो नॉर्थ और साउथ का एरिया है, हमारा नॉर्थ और साउथ ऐसा एक दूसरे के अंदर मिले हुआ है, हम नॉर्थ में काम करें तो साउथ में काम करे सर का दिखता, साउथ में करे तो नॉर्थ में करे सर का दिखता, तो इसीलिए नॉर्थ और साउथ हमारे पास एक ही है। हमारे पास आप सिटी के अंदर काम हो रहा है इंशाल्लाह, गुलबर्गा सिटी के अंदर जो काम हो रहा है वो नॉर्थ और साउथ उसी में शामिल है, और उसी के अंदर है नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ से हमारे पास जो अप्लीकेशन आए हुए हैं एस्पिरेंट के, वो हम आज बाहर निकालना नहीं चाह रहे उसको, और बोलना नहीं चाह रहे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही कर्नाटक में इलेक्शन डिक्लेयर होगा इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट भी डिक्लेयर होंगे। जिस तरह से आज के मौजूदा हालात हैं आप भी बेहतर जानते हैं, यहाँ पर मुस्लिम क़यादत को बचाने के लिए वोट किया जाता है, इसी सिचुएशन में आप एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस मजबूती से आवाम के बीच मौजूद है, फिर सेकंड JDS वहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा आप आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर रही है, फिर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर आप कोई एस्पिरेंट को आप खड़ा करेंगे कि आप एस्पिरेंट बनेंगे, कुछ भी हो सकता है, ऐसे हालात में क्या लगता है आपको, आप तमाम लोग मिलकर BJP को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे? देखिए गुलबर्गा के अंदर जो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, नॉर्थ का जो हल्का है, नॉर्थ की आवाम बखूबी जानती है कि किस वक्त करवट लेना है और क्या करना है। इंशाल्लाह वक्त आने पे वो MIM के साथ आएंगे और MIM को जिताएंगे इंशाल्लाह, यहाँ से नुमाइंदगी मजबूत करेंगे। जैसा हैदराबाद की आवाम करती है वैसा गुलबर्गे के अंदर हमेशा नॉर्थ के अंदर एक मुस्लिम क़यादत हमेशा उभर के आई है, हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको कायम रखेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि और तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि मैं वो हमारा साथ देके हमको जिताइए। अब जिस तरह से आपने कहा हमेशा यहां पर मुस्लिम क़यादत को बचाया गया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोग उसी क़यादत को तोड़ने के लिए यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा करने वाले। देखिए आप अंदाज़ा करेंगे कि 78 में यही हालत थी, आज जैसी हालत है 78 में वही मुसलमान क़यादत थी, वही मुसलमान क़यादत बची, तो इंशाल्लाह आने वाला जो 2023 का इलेक्शन है इंशाल्लाह वो 78 के वैसे ही इलेक्शन होने वाला है, इंशाल्लाह मुस्लिम क़यादत 100% बचेंगे, वो मगर सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पर बचेंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए भी एक सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब्दुल रहीम मिर्ची गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और वो अकेले ही काम करते आ रहे हैं और वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी वही बनेंगे। देखिए हम आपको ये बात बोल नहीं सकते कि हमारे कायदे मोहतरम क्या फ़ाइनल करेंगे क्या नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में
हमारा जो डायरेक्शन आएंगे हाईकमान से, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी डायरेक्शन देंगे, आपको यहाँ काम करना है, आपको यहाँ ठहरना है, आपको यहाँ से काम करना है, इंशाल्लाह हम उनके नक्श कदम पे डायरेक्शन लेकर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसी तरीके से काम करेंगे। वो अगर हमें बोले कि आपको ठहरना है ठहरेंगे, बैठना है बैठेंगे इंशाल्लाह, मगर हमारी नुमाइंदगी को मजबूत करेंगे। आवाम के बीच में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो इलेक्शन आ रहे हैं, आपकी तरफ से आपको दावा कर रहे हैं कि उम्मीदवारी आपकी तरफ से भी की जाएगी, तो इस दौरान आप वोटर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आवाम को यही गुजारिश कर रहे हैं कि पिछला वक्त पूरा देखे हैं कांग्रेस का, कांग्रेस की नुमाइंदगी भी देखे हैं, अलहाज मरहूम खमसलाम साहब के गुजरने के बाद, आप उनकी क़यादत के बाद मुसलमान के बीच में जो वैक्यूम जो आयवा है उसके अंदर जो तब्दीली आई हुई है, लीडरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं नॉर्थ की आवाम, तो इंशाल्लाह इस मर्तबा नॉर्थ की आवाम बखूबी जानती है कि आने वाले वक्त मर्द हजरात को जिताएंगे, मर्द कैंडिडेट को जिताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो कायम रखेंगे दबदबा और वो चीज़ कायम रखेंगे इंशाल्लाह नॉर्थ की, जो हमेशा से 50 साल से जो कायम है।